रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या, लगातार इन सभी खिलाड़ियों को लेकर बातचीत हो रही है, विवाद की खबरें आ रही है। लेकिन इस पूरे मसले पर एक और खिलाड़ी का नाम जुड़ा हुआ है और उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बात जसप्रीत बुमराह की कर रहे हैं। लगातार जब से हार्दिक पांड्या ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा बने हैं, उसके बाद से उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट हों या उसके बाद से उनकी स्टोरीज हों, लगातार वो इस कंट्रोवर्सी को लगातार लोग जोड़ कर देख रहे हैं कि भाई इस फैसले से जसप्रीत बुमराह जो हैं वो खुश नहीं हैं। अब इस मसले पर एक बयान ऐसा आया है जो कहीं ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस और जसप्रीत बुमराह के बीच एक बार फिर से कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है। क्या है पूरा मामला वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जिसमें पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने एक जियो सिनेमा पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बात कही है जो इस वक्त, और अगर आप देखा जाए, मुंबई इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है और कहीं ना कहीं ये लगातार मामला आगे बढ़ सकता है। आपको पूरा उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं। पहले पार्थिव पटेल ने कहा कि 2015 में बुमराह टीम में नए थे, उनका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा नहीं था, इसी कारण फ्रेंचाइजी उन्हें बाहर करना चाहती थी। रोहित ने बुमराह पर भरोसा दिखाया और उन्हें टीम में रखने का फैसला किया। इसके अगले सीजन में हमने इसका रिजल्ट भी देखा। जसप्रीत ने 2016 में 14 मुकाबले खेले, इस दौरान उन्होंने 15 विकेट अपने नाम किए। अभी जो बयान है पार्थिव पटेल का और आया जिस समय पर है, अभी तो खबरें ये भी चल रही हैं कि हार्दिक पांड्या के कप्तान बनाए जाने से बुमराह, रोहित शर्मा, इसका ये जो अलग गुट है वो खुश नहीं है। और उसके बाद ये बयान आना कि वो मुंबई इंडियंस जसप्रीत बुमराह को निकालने की प्लानिंग कर ली थी, कि शायद ये चीज़ें होता नहीं कि आग में घी डालने का काम कर सकती, क्योंकि अभी अगर आप देखें हाल फिलहाल में जो बुमराह ने अपने स्टेटस लगा रखा था, उससे तो लोगों को लगा था ये किसी ना किसी बात को लेकर नाराज है, जिसमें उन्होंने लिखा था भाई जो साइलेंट है वो सबसे बड़ा जवाब है। अब इस मसले पर फिर से शायद बुमराह का अगर कोई रिएक्शन आता है तो उस पर फिर से एक मुंबई इंडियंस के लिए परेशानी बन सकती है। अगर बात कर ली जाए बुमराह के आईपीएल करियर की, तो उन्होंने 120 मुकाबले खेले हैं जिसमें उनके नाम 145 विकेट है। और इस वक्त अगर आप सिर्फ आईपीएल ही नहीं, दुनिया के नंबर वन गेंदबाजों की बात करें जिससे बल्लेबाजों में दहशत है, तो उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम है। लेकिन ये तमाम कॉन्ट्रोवर्सी, क्योंकि अभी तक बुमराह कैंप से जुड़े भी नहीं है। रोहित शर्मा को लेकर खबर जरूर थी कि 15 तारीख तक जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी वो भी नहीं जुड़े हैं, स्काई चोटिल होने की वजह से नहीं जुड़े हैं। ये जो अलग कंट्रोवर्सी है उसमें एक नया विवाद जन्म ले सकता है। आप भी इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, कि आपको भी लगता है कि पार्थिव पटेल का जो बयान है या बुमराह का ईगो हर्ट कर सकता है, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब कर लें और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें।